हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ब्यूटी एंड बेबी हेल्थ केयर में। पहली बार अगर आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे अंगों के बारे में, अगर आपका लड़का होने वाला है तो इन सारे अंगों में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। और कुछ ऐसे सीक्रेट बातें बताऊँगी जो आपको शायद मालूम नहीं है, और आपको कन्फर्म हो जाएगा कि क्या सच में ये बातें सच्ची होती हैं या फिर झूठी होती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये सारी बातें जानने में तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पेट पर चेंजेस। ये लक्षण उन महिलाओं को ज़्यादा अनुभव होता है जिनका 6, 7, 8 या फिर 9 मंथ चल रहा है। जब आपका पेट बहुत भारी हो जाता है, अंडाकार शेप में नीचे की तरफ लटकता है और कुछ ज़्यादा दर्द होता है आपके पेट के निचले हिस्से में, तो माना जाता है कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। बट गाइस, मैं बता दूं, जब आपका बेबी शट डाउन करने लगता है और वो अपना पोजीशन पकड़ने लगता है, तो इस वजह से भी आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और डॉक्टर ये बताते हैं कि अगर आपका पेट अंडाकार होता है या फिर गोल होता है तो इसका भी रीजन है। ये सारे शिशु पर निर्भर करता है या आपके बेली पर निर्भर करता है। अगर आपका शिशु पेट के किसी भी एक साइड में है, जैसे कि राइट साइड में है या फिर लेफ्ट साइड में है, तो आपका पेट गोल दिखता है। वहीं डॉक्टर बताते हैं अगर आपका शिशु पेट के नाभि के आसपास है, मतलब नाभि वाले एरिया में या राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, तो आपका पेट अंडाकार शेप में दिखता है। वहीं पर निर्भर करता है, आपके बेली पर निर्भर करता है और आपके शिशु पर निर्भर करता है कि वो कौन से साइड में है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। इस वजह से गर्भवती महिला का पेट के निचले वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चाहे वो पेट अंडाकार में हो चाहे वो गोलाकार में हो। अगर वो हैवी होगा तो पेट ज़्यादा दर्द करेगा, अगर वो कम हैवी होगा तो पेट का जो दर्द है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और साथ में कमर में भी और पैर में भी बहुत ज़्यादा दर्द चालू होने लगता है। जैसे ही हमारा प्रेगनेंसी जर्नी आगे बढ़ता है, 7वां, 8वां, 9वां महीना, वैसे वैसे हमारा दर्द भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। पहले से 3रे महीने में सर में दर्द होना ये आम बात है, क्योंकि ये मॉर्निंग सिकनेस की वजह से होता है। कभी कभी हमारा जो हार्मोन्स है बहुत ज़्यादा बदल जाता है और हमें मॉर्निंग सिकनेस की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कमजोरी हो जाती है, इसके वजह से हमें सर में थोड़ा दर्द होने लगता है। और जैसे ही हमारा 4वां, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां महीना चलने लगता है, वैसे ही पेट के हैवीनेस के वजह से हमारे जो पैर में है दर्द होने लगता है, कमर के अंदर ज़्यादा दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द करने लगती है, और किसी किसी महिलाओं में तो देखा गया है कि गर्दन में भी बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलते हैं। तो ये सारे दर्द आपके पेट पर ही निर्भर करते हैं। अगर आपका पेट का जो वज़न है वो कम है, थोड़ा पेट आपका कम निकला है, कम हैवी है, तो हो सकता है आपका दर्द भी कम रहे। वहीं आपका पेट बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत हैवीनेस की वजह से बहुत ज़्यादा आपका वज़न बढ़ गया है, पेट का भी बॉडी का भी, तो आपके शरीर का भी जो पेन है, दर्द है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा। ये सारे लक्षण बिल्कुल भी नहीं सटीक बैठते हैं कि आपको लड़का होने वाला है कि लड़की होने वाला है। ये सारे लक्षण से आप नहीं पता कर सकते हो कि आपको लड़का होने वाला है कि लड़की होने वाला है। मेरे चैनल पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें मैंने 70% तक बताया है कि अगर ये लक्षण देखे जाते हैं तो आपको लड़का होगा। वो सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आई बटन पे दे दूंगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो लड़का लड़की के प्रेडिक्शन के बारे में जानने के लिए। तो प्लीज़ आप चेकआउट करके वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ आपको क्या होने वाला है। लेकिन वो भी 70% तक होता है, क्योंकि जो ओल्ड महिलाएं हमारी होती हैं वही ये सब अनुमान लगाती हैं, और उसी के अनुभव के दौर पर हम ये सब वीडियो बनाते हैं, क्योंकि डॉक्टर या विज्ञान इसे अभी तक नहीं मानता है। बहुत कम ऐसे लक्षण देखे जा रहे हैं जो सटीक बैठ जाते हैं, और किसी किसी महिलाओं में तो सारे जो लक्षण मैं बताती हूँ वो सारे लक्षण बैठ जाते हैं। मेरे में खुद में जो जो बैठे हैं उसी के अनुभव लेकर के मैंने वीडियो बनाया है। मेरे घर में जितने भी महिलाएं हैं जिनको लक्षण देखने को मिलते थे वो सारा मैंने लिया है अपने वीडियो में, तो इसीलिए मैंने वीडियो में वो सब बताया है, और रियलिटी भी मैंने बताया है कि क्या सच में ये सब होता है कि नहीं होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।